हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अडानी विलमार लिमिटेड के ऊपर। तो अडानी विलमार के शेयर में अगर देखेंगे तो आज स्टॉक में बहुत ही ज़बरदस्त गिरावट हम लोगों को यहां पे देखने को मिला। अगर हम लोग इस स्टॉक के आज ओपनिंग प्राइस की बात करें तो यहाँ पर जो आज का ओपन प्राइस था वो था आपको 812। लास्ट टाइम जो क्लोज हुआ था, अगर हम लोग यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट टाइम का जो क्लोजिंग प्राइस था, इससे प्रीवियस ट्रेडिंग सेशन का फ्राइडे का जो क्लोजिंग प्राइस था वो 809 था। आज आपको ओपन हुआ 812 पे, 3 पॉइंट ऊपर ओपन हुआ, लेकिन आज आपको क्लोज हुआ है 769.5 पे। तो तकरीबन जो है यहाँ पे आपको 40 पॉइंट का फॉल हम लोगों को स्टॉक में देखने को मिला। 5% नीचे जो है स्टॉक क्लोज हुआ है। अगर यहाँ पे देखेंगे तो स्टॉक बिल्कुल अपने डे के लोअर लेवल पे क्लोज हुआ है। और यहाँ पे अगर हम लोग इसको शॉर्टर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो शॉर्टर टाइम फ्रेम में क्लियरली हम लोगों को दिख रहा है जो स्टॉक अपने लोअर सर्किट पे ही क्लोज हुआ है। स्टॉक में लोअर सर्किट लगा हुआ था और वहीं पे स्टॉक जो है क्लोज हुआ है। तो एक चीज़ तो आपको ध्यान रखना है, जो अडानी के स्टॉक्स में अगर कुछ एक स्टॉक्स को हम लोग छोड़ दे तो यहाँ पे जो है अडानी पावर में, अडानी विलमार में आए दिन जो है यहाँ पे आपको अपर सर्किट लोअर सर्किट लगते रहते हैं। तो आपको यहाँ पे सर्किट पे ध्यान नहीं देना है, अब आपको अपने लेवल्स पे ध्यान देना है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट लेवल है आपको ऊपर के लेवल पे 830-835 के लेवल पे डबल टॉप का फॉर्मेशन हुआ है, 832-875। अगर यहाँ पे देखेंगे तो फ्राइडे के सेशन का हाई था आपको 841.7 का, और ऑल टाइम हाई अगर बात करें 878 का है। तो इस रेंज में जो है हम लोगों को क्लियरली दिख रहा है जो एक डबल टॉप का जो है यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। अब अगर यहाँ पे आपको बात करें नीचे की साइड जो आपको इमीडिएट सपोर्ट है, इमीडिएट सपोर्ट आपको मिलेगा इस स्टॉक को 560-530 इस रेंज में, क्योंकि ब्रॉडली जो है स्टॉक अप्रैल मंथ से, अगर हम लोग यहां पे देखेंगे अप्रैल मंथ से स्टॉक इसी रेंज में ट्रेड कर रहा है। ब्रॉडली इसी रेंज में आपको स्टॉक जो है स्लो एंड स्टडी ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो वापस से अगर यहां पे अपर चैनल पे यहां पे आपको सेलिंग प्रेशर आया है, अगेन स्लो एंड स्टडी स्टॉक जो है यहां पे आपको लोअर चैनल को हिट करेगा। ये एक दिन में नहीं होगा, इसको आने में टाइम लगेगा। तो आप ये मत एक्सपेक्ट कर लेना जो कल ही लोअर सर्किट लग के 560 पे आ जाएगा, यहाँ पे आने में आपको टाइम लगेगा। अब अगर यहाँ पे हम लोग बात करें वापस से, जो हम लोगों का यहाँ पे क्या प्लान होना चाहिए, तो यहाँ पे जो सबसे इमीडिएट सपोर्ट है अभी स्टॉक के पास, अगर हम लोग सबसे इमीडिएट सपोर्ट की बात करेंगे तो 740-700 के रेंज में एक इमीडिएट सपोर्ट है इस स्टॉक के पास। अगर स्टॉक इस रेंज में कंसोलिडेट करता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करता है, तो उसके बाद अपसाइड ब्रेकआउट देना काफ़ी इजी हो जाएगा। लेकिन अगर यहाँ पे स्टॉक 700 के लेवल के नीचे आता है तो डेफिनेटली ये वापस से आपको लोअर चैनल को हिट करेगा, और उसके बाद जो है स्लो एंड स्टडी यहाँ से हम लोगों को ऊपर जाता हुआ दिखेगा। तो इसलिए अगर आप यहाँ पे अभी के लिए बाइंग पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं तो अभी आपको वेट करना चाहिए, या तो वेट कीजिए इस सपोर्ट रेंज पे सपोर्ट ले तो आप यहाँ पे बाय पोजीशन बना सकते हैं, या फिर लोअर चैनल को हिट करे तो आप बाय पोजीशन बना सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप अपने ऑल टाइम हाई को क्रॉस करें उसके बाद आप बाय करने के लिए देखें। इन बिटवीन क्या होगा, इन बिटवीन अभी आप ले लेंगे लेकिन आपका पेशेंस जो है वो वहाँ पे टेस्ट होगा। इसलिए बेटर है अगर आप सही जगह पे लेंगे तो आपका पेशेंस टेस्ट नहीं होगा। अगर यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, सपोज 550-560 के लेवल पे सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर इन बिटवीन यहाँ पे 700-750 के रेंज में सपोर्ट ले रहा है, आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं, या फिर जब एक बार अपर लेवल को क्रॉस कर जाता है तो फिर आप वहाँ पे इसको बाय कर सकते हैं। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। दूसरी बात, अगर आपके पास ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में स्टॉक है तो आप कंटिन्यू इसको होल्ड करके रख सकते हैं, यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। लोअर सर्किट आए दिन यहाँ पे लगते रहते हैं और स्टॉक में अपर सर्किट भी लगता रहता है, तो इसलिए यहाँ पे आपको पैनिक नहीं होना है। तो आई होप आप लोगों को सभी लेवल्स जो है बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, एनालिसिस अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।